हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे के बारे में। माता प्रसाद पांडे का जन्म 31 दिसंबर 1942 को पिरैला सिद्धार्थ नगर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम गोमती प्रसाद पांडे है और इनकी पत्नी का नाम सूर्यमती पांडे है। इनके एक बेटा तथा 5 बेटियां हैं। इनकी पढ़ाई गौहाटी यूनिवर्सिटी से हुई। माता प्रसाद पांडे ने पहली बार वर्ष 1980 में जनता पार्टी सोशलिस्ट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। उसके बाद दल बदलते हुए इन्होंने 1985 में लोक दल से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की और फिर ये जनता दल से 1989 में चुनाव जीते। इसके बाद वे लगातार 3 बार भारतीय रहे। माता प्रसाद पांडे साल 1991, 1993 और 1996 में कांग्रेस बीजेपी के अलावा निर्दल से लड़े, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और समाजवादी पार्टी से वर्ष 2002, 2007, 2012 के विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल की थी। ये 2 बार विधानसभा अध्यक्ष बने। मुलायम सिंह यादव की सरकार में ये विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद ये अखिलेश सरकार में भी विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। माता प्रसाद पांडे साल 1991 में स्वास्थ्य मंत्री और 2003 में श्रम और रोजगार मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2017 विधानसभा चुनाव में माता प्रसाद पांडे को सतीश चंद्र द्विवेदी से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।